नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अन अकेडमी प्लस पर। यार नेट थोड़ा स्लो चल रहा है। एक मिनट रुकिए ना, बस क्वेश्चन डाल रहा हूँ मैं, आप लोग इसको बनाइएगा। और मस्ट लेवल का क्वेश्चन है, कैसलेट डीआई मैंने प्लस में करवाया हुआ है, तो प्लस वाले स्टूडेंट्स चाहें तो रुक सकते हैं फिर से करने के लिए क्वेश्चन को, और चाहें तो आप लोग जा सकते हैं। चलिए, तो काफी लोग आ चुके हैं दोस्तों क्लास में, फटाफट एक एक लाइक कर दीजिए दोस्तों, जितने भी लोग क्लास में मौजूद हैं जल्दी जल्दी एक एक लाइक कर दीजिए। SBI 71 EWSCG, आकाश अमन श्रीवास्तव, कोई दिक्कत नहीं है भाई, जो होता है अच्छे के लिए होता है, कुछ ना कुछ किस्मत में लिखा होगा और अच्छा इस वजह से आपका इसमें नहीं हुआ, उसके लिए ज्यादा ऐसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस अपनी तैयारी करते रहो, कंटिन्यू तैयारी, मतलब हार नहीं माननी है ना। सर पजल से सेक्शन कैसे स्ट्रॉन्ग करें? पजल देखिए, मेरे पजल बहुत सारे पड़े हुए हैं मेंस लेवल के, आप उनको देखिए ना। कल भी मैंने एक नए पैटर्न का पजल करवाया था, पजल नहीं था हालांकि, वो एक नए पैटर्न का क्वेश्चन था, वो मैंने करवाया था कल। सर गॉट 91 मार्क्स इन RRB मेंस बट रीजनिंग नॉट क्लियर्ड। सागर जी आप मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो क्या भाई? रीजनिंग में मार्क्स नहीं आए बोल रहे हो? मेरे सारे वीडियोस देखो, क्लासेस अटेंड करो। थैंक यू सर फॉर मेन स्ट्रेटजी, वेलकम। जितने लोग मौजूद हो एक एक लाइक कर दीजिए भाई, जितने भी लोग हैं लाइक कर दीजिए फटाफट एक एक, जितने भी लोग क्लास में है जल्दी जल्दी लाइक कर दो भाई एक एक। जितना जल्दी एक एक लाइक करोगे उतना जल्दी क्वेश्चन दिखाऊंगा, उतना जल्दी क्वेश्चन स्टार्ट होगा। एक क्वेश्चन करेंगे सिर्फ कैसलेट डीआई का, हाई लेवल का, एक्सट्रीमली हाई लेवल फॉर IBPS PO मेंस एंड IBPS क्लर्क मेंस। IBPS क्लर्क में भी ये आ सकता है मेंस में, आपका EPFO वगैरह में भी इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है इतने हाई लेवल का, और IBPS PO मेंस में आ सकता है, मतलब जितने भी मेंस के एग्जाम आने वाले समय में होने वाले हैं सबका लेवल है ये, तो किसी में भी आ सकता है। ESIC मेंस क्लियर होगा, हो गया, अभी रिजल्ट आया है। ESIC मेंस क्लियर हो गया। रवि कुमार जी बहुत बहुत बधाई भाई, जिसको जिसका भी क्लियर हो गया ESIC मेंस, बहुत बहुत बधाई आप सभी को। और दोस्तों मार्क्स आए हैं अभी, काफी लोग बोल रहे थे ना कि सर एक्यूरेसी एक्यूरेसी एक्यूरेसी, भाई एक्यूरेसी। शिवांश मौजूद हो क्या भाई? जल्दी से एक बार कमेंट करो। और सुरभि मुंजल आप मौजूद हो क्या? कमेंट करिए एक बार। चलिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं दोस्तों, आप लोग इसको क्वेश्चन को बनाइएगा। कहां गया, थ्री फिफ्टी फोर
क्वेश्चन बनाने पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन बनाने पर ध्यान दीजिए। हाँ, प्लस में ये हो चुका है, फ्री क्लास में ये हो रहा है आज। सर जी हमारी साइड भी देखो, हमारी साइड मतलब काली ही हुआ है, काली ही हुआ है मतलब कल ही हुआ है, कल नहीं परसों हुआ था। सर दूसरे स्टेट से क्यों देते हो एग्जाम आप, ताकि जाके वहां के स्टूडेंट से मिल सको? कोई आए तब ना, कोई आता ही नहीं है यार मिलने के लिए। मतलब इतना दूर खर्चा करके जाओ और कोई मिलने ही नहीं आता है, परवाह ही नहीं है। मतलब भाई हमसे कोई दूसरे इतनी दूर से कोई मिलने आए तो भाई हम तो सारा काम हम छोड़ चल दे मिलने के लिए। रिस्पेक्ट होनी चाहिए बस उस बंदे के लिए। पटना तो आएंगे, पटना नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? क्या है, पटना को अभी बचा के रखना है ना। फिलहाल तो मैं कल जा रहा हूँ बैंगलोर, परसों परसों जा रहा हूँ बैंगलोर, और कैमोमाइल टीवी टॉपर्स में 4 स्टूडेंट्स आ रहे हैं जिनका SBI PO में सिलेक्शन हो गया और उनका इंटरव्यू होने वाला है वहाँ पर। अरे अनीता कामले जी, आप हो क्या क्लास में? चलो थोड़ा खुश हो जाओगे आप भी फाइनली। धुलवा उलवा के मस्त रख लिए हैं, साफ हो गई, साफ हो गई। थोड़ा पेंट का दाग लगा हुआ है अभी भी, थोड़ा सफेद सफेद पेंट के दाग लगे हुए हैं। इसको भी इधर थोड़ा सजा के ऐसे रख दिया जाएगा, वहीं से उठा के पानी पी लिया जाएगा, नींबू से उतर जाएगा। देखते हैं उतरता है कि नहीं, एक दो बार और धुलवाऊंगा। दिल्ली आओ सर प्लीज। वाह, कितने बार आ चुका हूँ दिल्ली, फिर दिल्ली बुलाते हो यार। चलो दिल्ली। क्वेश्चन बनाने पर ध्यान देना ना भाई, बातचीत में करते रहूंगा बीच बीच में, लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन बनाने पर ध्यान देना है क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। आप बनाएंगे आपको समझ में आ जाएगा भाई आंसर जब गलत आएगा तो। जिसका भी आंसर आ जाए एक बार मेंशन कर दीजिएगा कमेंट्स में। अरे सर कमेंट पर ध्यान दीजिए, कमेंट पर ध्यान दे रहा हूँ, बट आप ध्यान दीजिए कि कितनी स्पीड से कमेंट निकल रहे हैं। आप अगर कुछ भी लिख भी दोगे तो वो मतलब उसके प्रोबेबिलिटी कितनी बनती है, 1/1000 की प्रोबेबिलिटी बनती है कि वन नहीं 1/100 की प्रोबेबिलिटी बनती है भाई कि मैं आपका कमेंट पढ़ पाऊँ। आप मेल कर दीजिए इससे अच्छा, तो उसका रिप्लाई आपको 2-4 दिन के अंदर मिल जाएगा।
जिसको समझ में नहीं आ रहा है ट्राई करिए भाई, ट्राई करेंगे तब तो समझ में आएगा। एक भी एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, प्रैक्टिस करो आप, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कमी रह जा रही है। ईमेल आईडी bankingchronicle@gmail.com। एक साथ दो लोग लाइव, ये तो भाई जो लिए हुए उनसे पूछिए। पेंट, ऑयल पेंट कैसे क्लियर होगा पीताम्बरी से, ये तो थिनर से ही निकलेगा। लाइसी सिस्टम में नागपुर प्लीज सॉल्व, प्लीज सॉल्व करो। वो तो मैं करूंगा ही भाई, मैं बिना सॉल्व किए नहीं जाने वाला, टेंशन मत लो। मैं बिना सॉल्व किए नहीं जाने वाला, लेकिन काफी सारे लोग बिना सॉल्व किए मतलब बिना सॉल्यूशन देखे ही भाग जाएंगे, मुझे पता है 100% श्योर। देखिए बैंक की तैयारी हर कोई करता है, उसमें से सीरियस कुछ ही लोग होते हैं, उसमें से आखिरी तक कुछ ही लोग टिक पाते हैं। सेम चीज है यहां पर भी, क्लास में भी आते बहुत लोग हैं, टिक बहुत कम लोग ही पाते हैं। जो टिकेगा सिलेक्शन लेगा। मत करो सर, ये कैसलेट कंजट है, क्या कंजट है, बहुत जबरदस्त है, मजा आ गया था बनाते हुए। एक मंथ में आईबीपीएस क्लियर हो जाएगा, क्यों आप इससे पहले क्या कर रहे थे? हाफ डन, आंसर बताओ भाई, मुझे आंसर से मतलब है। जब आप लोगों के आंसर आएंगे उसके बाद ही मैं चालू करूंगा। आंसर जब आने स्टार्ट होंगे उसके बाद में बताओ। और जितने प्लस वाले हैं जो कर चुके हैं, पहले आंसर बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, बनाने दो भाई बाकी लोगों को। हिंदी में नहीं है ये क्वेश्चन, होता तो मैं जरूर दिखाता ना। प्लस का कौन सा कोर्स है भाई? ये प्लस का कोर्स नहीं है, ये फ्री क्लास है। सर आपको मेल किए हैं प्लीज, 2-4 दिन में मेल का रिप्लाई मिल जाएगा, टेंशन मत लो। ऑल 40 ये बस आया मेरे से, ऑल 40 सर, सिर्फ 10-12 मार्क्स से रह रहा है। सामिया जी 10-12 नंबर बहुत होते हैं, वो सिर्फ नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। आशीष ग्रोवर कई समय बाद क्लास में, प्लस में शाम को क्लास क्यों नहीं लेते? होगी ना, होगी भाई, शेड्यूल है पूरा, शेड्यूल बना हुआ है पूरे महीने का। 0.25 से रुक रहा है, एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालिए बिल्कुल निकलेगा। XYZ कोई शॉर्ट ट्रिक बताओ सर इसको करने की। शॉर्ट ट्रिक से सिर्फ फेल हुआ जाता है, पास नहीं हुआ जाता।
चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। किसी का आंसर तो आ नहीं रहा भाई, कोई बना ही नहीं रहा है, सब लगे हुए हैं, बस सर पेपर नहीं निकल रहा, पेपर नहीं निकल रहा, ये नहीं हो रहा वो। भाई पढ़ोगे तब तो पेपर निकलेगा, यहाँ पढ़ा रहा हूँ, आप लोग कमेंट करने में लगे हो सर पेपर नहीं निकला करो, कुछ बता दो कैसे करते हो यार। यहाँ पढ़ाई हो रही है तो पढ़ाई करना चाहिए ना, पता है जब पढ़ाई करने से ही पेपर निकलेगा। क्या बता दूंगा मैं कि मेडिकल से ले आओ एक जड़ी बूटी मिलती है, उसको खा लोगे 4 दिन तक खाओगे तो 5वें दिन प्री निकल जाए, ऐसा कोई होता है क्या, कोई कभी सुने हो कहीं। पढ़ाई ध्यान दो भैया, पढ़ाई करो, पढ़ाई से ही आंसर आएगा। चलो स्टार्ट करता हूं दोस्तों, समझने की कोशिश करिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अ सर्वे इज कंडक्टेड ऑन 800 पीपल इन अ सोसाइटी, 800 लोगों के ऊपर एक सर्वे कंडक्ट किया गया। द सर्वे इज कंडक्टेड टू चेक हाउ मेनी पीपल ओन कार, स्कूटी, बाइक, ऑल थ्री व्हीकल्स, एनी टू व्हीकल्स और नन। इसका मतलब है 800 लोगों के ऊपर एक सर्वे किया गया ये देखने के लिए कि भाई कितने लोगों के पास कार है, कितने लोगों के पास स्कूटी है, कितने लोगों के पास बाइक है, कितने लोगों के पास इनमें से कोई 2 व्हीकल्स है या फिर 3 व्हीकल्स है या फिर कोई भी व्हीकल नहीं है, तो ये सर्वे हुआ। ठीक, आगे क्या बोल रहे, द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट ओन अ कार इज 51% ऑफ द टोटल पीपल। देखिए सिंपल सी बात है, तीन चीजों के बारे में बात की गई है यहां पर, तीन चीजों के बारे में बात की गई है यहां पर, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा, कमेंट करने पर ध्यान मत दो, ठीक है। चलो बनाते हैं, तो यहां पर क्या बोल रहे हैं भाई, तीन चीजें बोला है आपको, तो तीन चीजें पहले यहां पर हम सर्कल बना लेते हैं। एक हो गया ये, ठीक, दूसरा हो गया ये, ठीक है, और तीसरा हो गया ये, आप देखिए दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन को जब भी आप बनाते हैं इस टाइप के, ध्यान से सुनो भाई, सब लोग इधर ध्यान दो, कमेंट वमेंट छोड़ दो अभी। ये तीन चीजें हैं, आप किसी को भी कुछ भी मान सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि चलो भाई ये कार है, ठीक है, ये क्या है स्कूटी, और ये क्या है बाइक, ठीक। अब यहां पर आप क्या कर सकते हो, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई एफ जी, हर पोर्शन को आपने अलग अलग मार्किंग कर दी। अब दोस्तों यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करिए, अगर मैं आपसे बोलता हूं ओनली कार तो कौन सा पोर्शन होगा, आंसर दीजिए, ओनली कार, ए। भाई देखो ओनली कार में क्या आ जाएगा, ये ए वाला पोर्शन है ना, सिर्फ और सिर्फ कार का दिख रहा है आपको और इसमें कुछ भी चीज आपको नहीं दिख रही है, ठीक है, ये हो गया। सेम आपको अगर बोलता है ओनली स्कूटी तो ओनली स्कूटी में ये सी वाला पोर्शन आ जाएगा, ठीक है, ये सी वाला जो पोर्शन है ये ओनली स्कूटी में आ जाएगा। अगर आपको बोलता है ओनली बाइक तो ओनली बाइक में ये वाला पोर्शन आ जाएगा ऐसा, ठीक है, यहां से ये जी वाला ये पोर्शन आ जाएगा। वैसे ही अगर आपको बोलते हैं ऑल थ्री व्हीकल्स, मतलब ये ई वाला आ जाएगा जिसमें तीनों के तीनों व्हीकल्स आपको दिख रहे हैं भाई, मर्ज तीनों सर्कल है ना ऐसे एक के ऊपर एक ओवरलैप। ये एफ वाले को देखो तो एफ वाले के लिए क्या कंडीशन बन सकती है, एफ वाले के लिए कंडीशन बन सकती है बोथ स्कूटी एंड बाइक बट नॉट कार। अगर आपको बोल रहे हैं बोथ स्कूटी एंड बाइक बट नॉट कार, मतलब स्कूटी भी है बाइक भी है पर कार नहीं है, स्कूटी भी है बाइक भी है पर कार नहीं है, तो कौन सा बनेगा, एफ। अगर आपको बोलता है स्कूटी भी है और बाइक भी है तो क्या बनेगा, स्कूटी भी है बाइक भी है तो क्या बनेगा, ई और एफ, स्कूटी भी है बाइक भी है ई और एफ, अगर साथ में लगा दे बट कार नहीं है तो सिर्फ एफ बनेगा। तो ये चीज का ध्यान रखिएगा, इसमें काफी लोग गलती करते हैं, ठीक है ना। अगर आपको बोल रहा है कि कार है और बाइक है, कार भी है बाइक भी है तो क्या बनेगा, डी और ई। लेकिन अगर आपको बोल देता है कार भी है बाइक भी है लेकिन स्कूटी नहीं है तो क्या हो जाएगा, सिर्फ डी वाला बन जाएगा ये वाला, ठीक है ना। ये तो प्रीलिम्स लेवल है सोमनाथ जी, नहीं भाई ऐसा नहीं, आप क्वेश्चन को सॉल्व करो ना तब आपको समझ में आएगा, ठीक। अब उसके बाद दोस्तों यहां पर क्वेश्चन को देखते हैं, चलिए यहां ये इसको बनाते हैं।
द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट ओन अ कार इज 51% ऑफ द टोटल पीपल. द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट ओन अ कार, जिनके पास कोई कार नहीं है. ये ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास कोई कार नहीं है, जल्दी जल्दी बताओ. क्या मी भाई, आपकी बात नहीं किया गया यहां पर, इसकी बात किया गया. ये ABCDEFG में आपको ऐसे कितने लोग दिख रहे हैं जिनके पास कार नहीं है. CFG, the number of people who do not own a car is 51% of the total people. वो 51% है total people का, मतलब 408, 408 हो जाएगा. C, F और G, ये मिलाकर क्या हो गया आपका 408, ठीक है ना. आगे आपको क्या बोल रहे हैं, 5% of the people own all three vehicle. 5% कितना हो जाएगा भाई, 8, 40, 800 है ना, तो 8 × 5, 8 × 5 = 40, 40. आगे आपको बोल रहा है 25% ऑफ द पीपल ओन ओनली अ कार, उनके पास सिर्फ कार है. 25% मतलब 200, तो ओनली अ कार वाला कौन सा है, ए वाला है ना, ये 200 हो जाएगा भाई. ये ए वाला पोर्शन है ना ओनली कार का, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले. जितने लोग क्लास मौजूद है एक एक लाइक करिए भाई फटाफट, सब लोग ऐसे सूखा सूखा नहीं बैठना है, थोड़ा एक एक लाइक कर दीजिए सब लोग. हाँ, तो ओनली ओनली ए वाले कितने पर्सन है, मतलब आपको बोल रहा था जिनके पास सिर्फ कार है और कुछ भी नहीं है, तो ऐसे सिर्फ ए वाले थे, तो यहां पर हमने लिख दिया A = 200. आगे आपको क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ स्कूटी ओनर्स इज 50% मोर देन द नंबर ऑफ पीपल हु आर ओनली कार ओनर्स. नंबर ऑफ स्कूटी ओनर्स इज 50% मोर देन द नंबर ऑफ पीपल हु आर ओनली कार ओनर्स. 50% ज्यादा ओनली कार ओनर से मतलब कि 300 हो गए भाई. सिर्फ कार वाले ओनर कितने हैं, 200, तो उससे 50% ज्यादा क्या हो जाएगा, द नंबर ऑफ स्कूटी ओनर्स, पूरे स्कूटी ओनर्स. स्कूटी ओनर्स मतलब किसको किसको लोगे, BECF, भाई आपको क्या बोला यहां पर, नंबर ऑफ स्कूटी ओनर्स, पूरे के पूरे स्कूटी ओनर्स की बात कर रहा है भाई, जिनके पास भी स्कूटी है वो 50% ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ पीपल हु आर ओनली कार कार ओनर्स, जिनके पास सिर्फ कार है उससे 50% ज्यादा, यानी कि BCEF. भाई आंसर जिनका बन गया और जिनको लग रहा है हलवा लेवा है भाई, आंसर देख के जाना ना, मैच करके जाना, सही बनाए हो कि नहीं बनाए हो, पहले ही मत सोच लेना. काफी लोगों के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ भाई हमसे तो बन गया, सही ही होगा, थोड़ा आंसर चेक कर लेना लास्ट में. आगे क्या बोल रहा है, 50% मोर देन द नंबर ऑफ पीपल हु आर ओनली कार ओनर्स, 33.33% ऑफ द स्कूटी ओनर्स. तो भाई 33.33% क्या होगा स्कूटी ओनर्स का, 100 भाई. स्कूटी ओनर्स का 33.33% कितना हो जाएगा, स्कूटी ओनर्स कितने थे, BCEF अभी जब हमने लिखा था, तो 100 हो जाएगा ना. अब उनके पास क्या है बोल रहा है, ओन अ बाइक ऑल्सो, उनके पास बाइक भी है. इसमें ये नहीं बोला है कि कार नहीं है, इसमें ये नहीं बोला है कि कार नहीं है. अभिजीत पहले पूरा देख लो फिर बात करेंगे. इसमें ये नहीं बोला है कि कार नहीं है, ठीक, तो यानी क्या क्या हो गया, ई और एफ. होगा ये 100 कैसे हुआ, अरे भैया आपको बोला है ना कि स्कूटी ओनर्स जितने भी थे उसका 33.33% लोगों के पास बाइक भी है, तो भाई स्कूटी ओनर्स कितने थे, 300, इसका 33.33% यानी कि 100, इनके पास बाइक भी है, 300 कैसे आया भाई. ओनली कार वाले कितने थे, 200, इसका 50% ज्यादा मतलब 300. अरे पूरा शुरू से पढ़ते आओ ना भाई, कैसे कर रहे हो, आराम आराम से पढ़ते और बनाते आओ. आगे क्या बोल रहा है आपको, 35% ऑफ द बाइक ओनर्स ओन अ कार ऑल्सो. 35% जो थे बाइक ओनर्स, तो भाई बाइक ओनर्स कितने थे,
नहीं पता अभी हमको नहीं पता, बट जितने भी थे उसका 35% जो है उनके पास कार भी है। आगे बढ़ते हैं, 40% ऑफ द पीपल ओन अ बाइक, 40% लोगों के पास बाइक है। 40% कितना होगा भाई, 800 लोगों का 320। और बाइक ओनर्स कितने हैं, डी ई एफ जी, चारों के चारों बाइक वाले में आ रहे हैं, लिख दो यहां पर डी ई एफ जी इक्वल्स टू 320। अब देखो 320 का 35% निकालना है, क्यों, क्योंकि बोला 35% ऑफ द बाइक ओनर्स ओन अ कार ऑल्सो, भाई जो बाइक ओनर्स हैं उसका 35% जो है उनके पास क्या है, कार भी है। कार भी है बोला है, स्कूटी नहीं है ऐसा नहीं बोला है ना, कार है स्कूटी नहीं है ऐसा नहीं बोला है, तो बस कार है वाले कौन होंगे भाई। फिर सोनाली जी कैसे 320 आया, क्या पूछते हो यार सवाल आप लोग बिना पढ़े। लिखा हुआ है भैया क्वेश्चन में, लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान लगा के पढ़ो। 40% ऑफ द पीपल ओन अ बाइक, 40% लोगों के पास बाइक है। 800 का 40% कितना होता है, 320। दीप जी इससे फास्ट करवाऊंगा ना तो मैं बार बार रिपीट ही करते रह जाऊंगा, क्योंकि बहुत लोगों को कुछ समझ ही नहीं आएगा, वो बार बार रिपीट करवाएंगे, और मैं ऐसा इंसान नहीं हूं कि मैं आगे भग जाऊं, मैं बार बार रिपीट करते रह जाऊंगा। इससे अच्छा है जो चल रहा है चलने दो, उतने में देखो, अच्छे से देखो, समझो बात को, फास्ट चक्कर में मत जाओ भाई, सब सबको साथ लेकर चलना होता है। तो यहां तक हो गया आपका 40% ऑफ द पीपल ओन अ बाइक। एक घंटे की क्लास है यार, हमारे पास काफी समय है इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, तो हड़बड़ी मत मचाओ। 40% ऑफ द पीपल ओन अ बाइक ये हो गया था। इसके बाद बोला था आपको 35% ऑफ द बाइक ओनर्स ओन अ कार ऑल्सो, 35% बाइक ओनर्स के पास कार भी है। तो भाई कार टोटल बाइक ओनर्स कितने थे, 320, इसका 35% निकालो तो वो डी और ई हो जाएगा। अब देखो दोस्तों यहां से हम क्या क्या निकाल सकते हैं भाई, आपको निकालना है, अब ये चीज मैं नहीं निकालूंगा। तो जितने भी लोग बार बार सवाल करते हैं, जितने भी लोग बार बार मुझसे पूछते हैं सर ये फिर से बता दो, फिर से बता दो, फिर से बता दो, तो भाई ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये चीज मैं नहीं करूंगा, आप लोगों को करना है। क्या ये देखो यहां पर आपको क्या लिखा है, डी प्लस ई, यहां पर आपको क्या लिखा है, डी प्लस ई। पहले तो पूरी चीजें यहां पर मैं अलग से नोट कर देता हूं, ए बी सी डी ई एफ और जी। अच्छा ए बी सी डी ई एफ जी तो हो गया, इसके अलावा कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके पास कोई गाड़ी नहीं है, उसको हम क्या नाम दे सकते हैं, एच, एच लिख दो यहां पर, ठीक है। सबकी वैल्यू हमको निकालनी है, सबकी वैल्यू हमको निकालनी है, इक्वेशंस आपके पास मौजूद है। अब यहां पर दोस्तों एक चीज का ध्यान दीजिएगा, अभिजीत जी आप जो बोल रहे थे 408 नहीं होगा, 408 ही होगा भाई। 800 लोगों में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके पास कार नहीं है, बट इसमें बोला क्या, द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट ओन अ कार इज 51% ऑफ द टोटल पीपल, टोटल पीपल का बोला है, ठीक है ना, तो टोटल पीपल का ही आपको 51% निकालना है। हाँ तो होंगे ना, वो उसको मैंने एच का नाम दिया ना, वो तो पता चलेगा ना लास्ट में कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने कुछ नहीं लिया है। व्हाट इज दिस एच, एच वो है जिनके पास कोई गाड़ी नहीं है भाई, एच वो है जिनके पास कोई गाड़ी नहीं है, उनके पास 10 नंबर की बस है, पैदल जाते हैं हर जगह, वो लोग जिनके पास ना बाइक है ना स्कूटी है ना कार है, ना बाइक है ना स्कूटी है ना कार, कुछ भी नहीं है। ठीक, चलो अब देखो दोस्तों यहां पर जो जो वैल्यू हमको पता चल चुकी है हम उसको लिख लेते हैं। हमको ई की वैल्यू पता चल चुकी है 40, लिख दो भाई यहां पर ई की वैल्यू 40। ए की वैल्यू पता चल चुकी है 200, लिख दो भाई यहां पर 200। अब ई की वैल्यू को यहां पर अगर आप पुट करते हो ऐसा 40, तो डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी, हाँ 11 नंबर की, सॉरी माफी चाहता है। तो अगर ई की जगह पे हमने 40 पुट कर दिया तो 40 इधर ले जाके भाई माइनस कर दोगे इसमें, तो 72 आ जाएगी ना डी की वैल्यू, डी को रख दो भाई यहां पर 72। ठीक है, अब ई की वैल्यू को यहां पर भी रख दो ऐसा 40, तो एफ की भी वैल्यू आ जाएगी, इधर माइनस कर दोगे ले जाके तो 60 आ जाएगा एफ की वैल्यू,
ध्यान से देखते जाना, बार बार नहीं बताऊंगा ये सब चीजें, है ना। अब देखो आपको क्या क्या पता चल चुका है, आपको आपको क्या क्या पता चल गया है। सी एफ जी बी सी ई एफ, क्या बच गया, डी ई एफ। डी ई एफ ये देखो, यहां पर डी ई एफ की वैल्यू रखो तो जी की वैल्यू आ जाएगी। भाई डी ई एफ की वैल्यू को अगर यहां पर रख दोगे, डी ई और एफ मिलाकर कितना हो रहा है 172, यहां पर रख दो, उस तरफ ले जाके 320 में 172 को माइनस कर दो, कितना बच गया, वो जी की वैल्यू हो गई 148। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे भाई, जी की वैल्यू पता चल गई, एफ की वैल्यू पता चल गई, सी की वैल्यू निकल जाएगी, एफ की वैल्यू 60, जी की वैल्यू 148, दोनों मिला के 208, 208 ले जाके माइनस कर दोगे, कितना हो जाएगा, 200 आ गया सी। करते जाओ करते जाओ, खुद से करना है सॉल्व। अब दोस्तों बचा क्या आपके पास, ये बी हो गया, ये बस बचा था ये देखो, तो इससे बी की वैल्यू निकल जाएगी, बी सी एफ, सी एफ की वैल्यू रख दो और उधर ले जाकर माइनस कर दो। नो, गलत किए क्या, द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट ओन अ कार इज 51%। कुछ गलत कर रहा हूं क्या यार मैं, अरे द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट ओन अ कार इज 51%। अरे एक सेकंड यार, इसको हटा दो, ये सीएफजी को, ये जो 408 निकालो ना इसको हटा दो। यहां पर आपको क्या लेना है, यहां पर देखिए आपको क्या लेना है, आपको बोल रहा है द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट ओन अ कार इज 51%, मतलब कार किन कितने लोगों के पास है, 49% लोगों के पास है ना, तो भाई कार वाले कितने दिख रहे हैं आपको, एबीडीई, एबीडीई दिख रहे हैं ना, आप इसको ले लो, आप इसको ले लो आप 49, तो 392 आ जाएगा एबीडी। यहां पर लिख देता हूं, ए प्लस बी प्लस डी प्लस ई इक्वल्स टू 49%, यानी कि कितना हो गया 392। अब ऐसा क्यों, क्योंकि उसमें एच भी आ जाता, उसमें एच भी आ जाता, हमको एच नहीं चाहिए अभी, तो निकाल लिया ना 49% इसका, तो अब इससे क्या निकल जाएगा हमारा, एबीडीई में हमको क्या मिल चुका है, ए मिल चुका है, डी मिल चुका है, ई मिल चुका है, 240, 312, 312 इसे माइनस करोगे तो आपका बचेगा क्या, बी की वैल्यू आ जाएगी 80, ये हो गया 80। सारी वैल्यूज निकाल लो भाई, ये एबीडीई मैंने क्यों किया इसको एक बार और समझा देता हूं आप लोगों को। देखिए भाई, आपको क्वेश्चन की पहली लाइन में क्या बोल रहा था, द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट ओन अ कार, भाई जिनके पास कार नहीं है वो 51% है, तो जिनके पास कार है वो कितने होंगे, 49%, तो जिनके पास कार है हमने उनको लिया है, ए बी डी ई। ठीक, अब क्या करोगे, आपके पास ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया, ई आ गया, एफ आ गया, जी आ गया, बचा है बस एच, और टोटल आपको पता है 800। क्या करोगे, सबको ऐड करो, 800 माइनस करो तो आपका एच भी आ जाएगा, तो एच कितना आ रहा है जल्दी से बता दो भाई निकाल के, सी कितना आ रहा है, सी 120 आ रहा है, और कुछ बोला था, 25% ऑफ पीपल ओन ओनली अ कार, 5% ऑफ पीपल ओन ऑल थ्री व्हीकल्स, अरे यार मेरे पास आंसर है, रुको मैं एक बार ना आंसर मैच कर लेता हूँ, कुछ तो बहुत लो ना, मैंने किसी को तो भेजा था, हाँ
ए की वैल्यू है 200, देखो ए की वैल्यू है 200, बी की वैल्यू है 80, हाँ सी की वैल्यू गलत निकली है, सी की वैल्यू फिर से निकालेंगे, डी की वैल्यू आई है 72, ई की वैल्यू 40, एफ की वैल्यू 60, जी की वैल्यू 148, एच की वैल्यू 80। सी की वैल्यू क्यों गलत हुई है दोस्तों? हमने कुछ चेंज किया उस वजह से कुछ सी की वैल्यू गलत हो सकती है। चलो देख लेते हैं सी की वैल्यू कैसी आएगी। तो सी कहाँ से निकाल रहे थे हम? बी सी ई एफ से निकाल रहे थे ना, तो बी सी ई एफ मिलाकर 300 है, बी सी ई एफ 300 है, तो इसमें क्या हो जाएगा? बी सी ई एफ, बी ई एफ को देख लो भाई, बी कितना है 80, ई कितना है 40 और एफ कितना है 60। तो 40, 60 और 80, 40, 60 और 80 अगर हम माइनस करते हैं 300 में तो कितना हो जाएगा आपका? 120। हाँ तो सी की वैल्यू जो होगी वो 120 होगी। क्या किए भाई, जिनको भी डाउट आ गया इस चीज को लेकर, तो ये देखो ये वाली इक्वेशन को आप लोग क्रॉस चेक कर लो भाई। पहली इक्वेशन हमने थोड़ा गलत लिखा था ना, इस वजह से ये थोड़ा हमारा चेंज आ रहा था। बी सी ई एफ में क्या बोला है हमको? सी निकालना है ना, तो बी ई एफ की वैल्यू आपको पता है 40, 80 और कितना दिया था, 40, 60 और 80, तो टोटल कितना हो गया 180। 180 को 300 में माइनस करोगे तो बचता कितना है 120, तो वो सी की वैल्यू हो गई। अब देखो दोस्तों आपके पास बचा है एच। एच कौन है? एच वो लोग हैं जिनके पास कोई कार नहीं है, मतलब कोई बाइक नहीं है, कोई स्कूटी नहीं, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। रिक्शा में जाते हैं, कैब में जाते हैं, साइकिल में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, मेट्रो में जाते हैं, हर जगह जाते हैं, लेकिन उनके पास बाइक नहीं है, स्कूटी नहीं है, कार नहीं है, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो क्या करोगे एच निकालने के लिए? भाई टोटल तो आपको पता है ना 800 है, ये सारे को ऐड करो और 800 में माइनस कर दो, सारे को ऐड करो 800 में माइनस कर दो, कितना आएगा भाई एच? 80। मतलब 80 लोग ऐसे थे जिनके पास कोई गाड़ी नहीं थी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों यहां तक बन गया होगा। चलो अब इस मैं पूरी चीज को इरेज कर देता हूँ, ये सब चीजों की अब जरूरत नहीं है। आप लोग चाहो तो इसको इक्वेशंस को लिख सकते हो, चाहो तो लिख सकते हो, मैं 30 सेकंड का समय दे रहा हूँ, फटाफट लिख लीजिए इसको, पानी पी लेता हूँ तब तक, और उसके बाद मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। तो वैल्यूज पूरी हमारी निकल चुकी है ए से लेकर एच तक। मेरे हिसाब से ना डेटा के अंदर मत लिखा करो वैल्यू को, क्यों? मतलब डायग्राम के अंदर मत लिखा करो। क्यों नहीं लिखना चाहिए डायग्राम के अंदर? क्योंकि डायग्राम के अंदर लिखने से ना वो पूरा ना ऐसे हचड़ पचड़ हो जाता है, और फिर वो ऐसा टाइप से अगर करके आप बनाओगे आपको कुछ समझ नहीं आएगा, कुछ इधर का छोटा सा भी इधर का उधर हुआ और गया पूरा, ठीक है ना? तो वैसा हचड़ पचड़ करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से क्लियर क्लियर बनाओ ना भाई, आराम से। ठीक है चलो, तो अब बनाते हैं भाई इसका। यहां पर क्या बोला? टू व्हीलर रिप्रेजेंट स्कूटी एंड बाइक, फोर व्हीलर रिप्रेजेंट कार। ठीक है, टू व्हीलर वाले कितने? स्कूटी और बाइक, वो टू व्हीलर है। फोर व्हीलर क्या है? कार है। चलो ठीक है, अब ये मैं इरेज कर देता हूँ भाई, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसका काम हो गया, काम खत्म। आगे चलते, कितने लोग क्लास मौजूद है भाई? लाइक करिए फटाफट, एक एक लाइक यार सब लोग करो प्लीज, पता चलना चाहिए कितने लोग हैं। सब सब करो, सब करो, बहुत लोग नहीं करते हैं मुझे पता है, कर दिया करो यार, एनालिसिस होता है मेरा थोड़ा, कितने लोग आए थे क्लास में, सब लोग लाइक करो एक एक। हाँ तो यहां पर देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिसलाइक नहीं, अरे नहीं मैं अटेंडेंस के लिए बोलता हूँ, क्या बोल रहा है क्वेश्चन में ध्यान से देखना। 75% ऑफ द पीपल हु हैड नो व्हीकल, 75% ऑफ द पीपल हु हैड नो व्हीकल। तो भाई यहां पर आपको कौन से ऐसे दिख रहे हैं जिनके पास कोई व्हीकल नहीं है? 80 लोग है ना एच, जिनके पास कोई व्हीकल नहीं है एच 80। इसका 75% कितना होता है? 60। 80 का 75% कितना होता है? 60। 75% ऑफ 80 इक्वल्स टू 60, ये 60 यहां पर आ गया ऐसा। अब क्या बोल रहे हैं? परचेज स्कूटी एंड बाइक इन द रेशियो 3:2। इन लोग क्या करते हैं? स्कूटी खरीदते हैं और बाइक खरीदते हैं, कितने कितने रेशियो में? 3 और 2 के रेशियो में। तो भाई रेशियो का बेसिक फंडा, टोटल को टोटल से डिवाइड करो, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करो, तो 60 को ये दोनों के टोटल से डिवाइड करेंगे, दोनों का टोटल मतलब 5, 60 को 5 से डिवाइड करोगे तो आएगा 12, 12 इंटू 3 करोगे तो आ जाएगा 36, और 12 इंटू 2 करोगे तो आ जाएगा 24। ये रेशियो का बेसिक होता है ना, टोटल को टोटल से डिवाइड करते हैं, जो निकालना है उससे मल्टीप्लाई करते हैं।
तो स्कूटी कितने लोगों ने खरीद ली? 36 लोगों ने। 24 लोगों ने क्या खरीद ली? बाइक खरीद ली। उम्मीद करता हूं समझ गए होगे। आगे क्या बोल रहे भाई? 50% ऑफ द पीपल हु ओन स्कूटी एंड बाइक बट नॉट कार। 50% ऑफ द पीपल हु ओन स्कूटी एंड बाइक, जिनके पास स्कूटी और बाइक थी, स्कूटी और बाइक थी ठीक है, लेकिन कार नहीं थी, तो सिर्फ ये हो जाएगा इसका 50%। एफ का 50% कितना? 30। भाई आपको बोल रहा है स्कूटी भी होनी चाहिए, बाइक भी होनी चाहिए, लेकिन कार नहीं होनी चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ यही वाला पोर्शन दिखता है कि स्कूटी भी है, बाइक भी है, पर कार नहीं है। इसके 50% लोग, यानी एफ का 50%, यानी आपको 60 का लेना है 50%, तो आ जाएगा कितना? 30। ठीक, आ जाएगा 30। क्या बोल रहा है? सेल देयर स्कूटी एंड परचेज अ कार। तो भाई क्या बोल रहा है, ये जो मतलब ये 60 लोग जो है ना, इसके 30 लोग, इसके 30 लोग स्कूटी बेच देते हैं, इसके 30 लोग स्कूटी बेच देते हैं और क्या खरीद लेते हैं? कार खरीद लेते हैं। तो कार वाले बढ़ जाएंगे, कार वाले बढ़ जाएंगे 30, स्कूटी वाले घट जाएंगे 30, ऐसी कुछ बोला है। आगे क्या बोल रहा है आपको? What is the difference between the total number of owners who own two wheelers but not four wheelers and the number of four wheeler owners? तो भैया पहले आप निकाल लो four wheeler owners कितने हैं, four wheeler owners कितने हैं, पहले तो आप ये निकाल लो क्योंकि वो ज्यादा आसान है निकालना। four wheeler owners मतलब ABDE, ABDE टोटल करो भाई कितना हो रहा है? ABDE, ABDE wheelers टोटल करो इसको। जल्दी 422, यार 392 भी बोल रहे हैं कुछ लोग। अरे पहले सिर्फ टोटल करो, पहले सिर्फ एबीडीई करो, सिर्फ एबीडीई इस डेटा से देख के करो भाई। ए ये है, बी ये है, डी और ये है ई, कितना हुआ? 392 हुआ। और क्या हो गया भाई? ये स्कूटी वाले जो थे 30 लोग, इन्होंने अपनी स्कूटी बेचकर क्या खरीद लिया? कार खरीद लिया, कार खरीदा ना इन लोगों ने, तो कितने हो गए? फोर ट्वेंटी टू, 30 और ऐड कर दो भाई, 30 लोगों ने और कार खरीद ली ना भाई, दिवाली ऑफर चल रहा था तो स्कूटी बेच दी और कार खरीद लिए, कितने हो गए? 422। चलो ठीक है भाई, ये हमारा निकल गया 422। हमको डिफरेंस निकालना है। अब किसके साथ निकालना था? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ ओनर्स हु ओन टू व्हीलर्स बट नॉट फोर व्हीलर्स। भाई टू व्हीलर होने चाहिए पर फोर व्हीलर नहीं होने चाहिए, सिर्फ ये वाला पोर्शन होगा। टू व्हीलर तो है पर फोर व्हीलर नहीं है, टू व्हीलर तो है पर फोर व्हीलर नहीं है। कितना हो गया भाई? सी एफ और जी, देखो सी एफ और जी कितना हो रहा है? सी है 120, एफ है 60 और जी है कितना? 148। टोटल करो पूरा, थ्री ट्वेंटी एट। अब बताओ मुझे एक चीज, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, क्या इसमें 30 माइनस करेंगे? क्या इसमें 30 माइनस करेंगे? कितने लोग बोलते हैं हाँ यस कर दीजिए भाई एक बार फटाफट से, जितने लोग बोलते हैं हाँ यस कर दीजिए एक बार फटाफट। टोटल कितना आया है पहले ये बताओ, बिना प्लस माइनस किए कितना आ रहा है टोटल?
328 आ रहा है ना, 328 आ रहा है, रुक यार। तीन सौ अट्ठाईस आ रहा है, ठीक है, माइनस करेंगे ना 30, माइनस करेंगे 30, बचा कितना 298। अब 298 में भाई ये 36 लोगों ने स्कूटी खरीदी, ये 24 लोगों ने बाइक खरीदी, तो कितने हो गए, 60 इसमें ऐड हो गए, कितना हो गया 358। अब निकालो डिफरेंस, ये आंसर बनेगा भाई, जिसका जिसका 64 आया था बिल्कुल सही आंसर है, जिसका नहीं आया गलत सलत किए हो। देखो क्या बोला है, पहले तो आप चीजों को समझने की कोशिश करो, अगर समझोगे नहीं ना तो एग्जाम में भी गलत करके आ जाओगे और यही सोचोगे कि आपका आंसर सही है, ऐसा सोचोगे आप, जबकि वो गलत होगा। क्यों, एक बार क्वेश्चन को पहले पूरा आराम से ध्यान से पढ़ो, फिर सेकंड करेंगे, सेकंड और ट्रिकी है, सेकंड तो और ट्रिकी है, पर अब शायद बन जाए आप लोगों से, देखो। लेकिन इसको आराम से पढ़ो, 75% ऑफ द पीपल हु हैड नो व्हीकल, जिनके पास कोई भी गाड़ियां नहीं थी पहले, अब उन लोगों ने क्या कर लिया, स्कूटी खरीद ली और बाइक खरीद ली, किस रेशियो में, 3:2 के रेशियो में। तो हमने भाई पहले तो ये देखा कि कितने लोग ऐसे थे जिनके पास कुछ भी नहीं था, 80 लोग थे, उसके 75% कितना हो गया, 60 हो गया। 60 लोगों ने, दिवाली चल रही थी, ऑफर आया, खरीद लिए बाइक और स्कूटी, किस रेशियो में, 3:2 के रेशियो में। तो रेशियो के हिसाब से हमने निकाल लिया कि स्कूटी खरीदने वाले 36 लोग थे और बाइक खरीदने वाले 24 लोग थे, ठीक। मतलब ये ऐसे लोग हैं जिनके पास क्या है, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर नहीं है, क्योंकि पहले इनके पास कुछ भी नहीं था, पर इन लोगों ने क्या किया, गलत वाला भी ऑप्शन में मिल ही जाएगा, हाँ डेफिनेटली मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, इसके जितने लोगों ने जो जो आंसर निकालने थे ना, वो पांचों ऑप्शन आपको मिलेंगे, सब अलग अलग टाइप का कुछ कुछ आंसर निकाल रहे थे, वो सब आपको ऑप्शन में मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर जो रहता है ना भाई, वो हर टाइप से सॉल्व करके देखता है कि कोई ऐसी गलती करेगा तो इसका ये आंसर आएगा, उसको भी ऑप्शन में डाल देता है, उसको पता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, 36 लोगों ने स्कूटी खरीद ली और 24 लोगों ने बाइक खरीद ली, ठीक। तो 60 लोग तो हो गए भाई आपके ऐसे जिनके पास सिर्फ और सिर्फ टू व्हीलर है। अब आपको आगे और क्या बोला है यहाँ पर, 50% ऑफ द पीपल हु ओन स्कूटी एंड बाइक बट नॉट कार, 50% ऑफ द पीपल हु ओन स्कूटी एंड बाइक, भाई ऐसे लोग जिनके पास स्कूटी भी थी और बाइक भी थी, वो कि कौन थे, एफ वाले थे, जिनके पास स्कूटी भी है बाइक भी है, अब उन्होंने उसके 50%, तो भाई एफ को देखो कितने हैं, 60, 60 का 50% कितना होता है, 30। इन 30 लोगों ने क्या किया भाई, दिवाली में देखे भाई होंडा का नया ऑफर आया था, स्कूटी के बदले कार ले जाओ बोल के, थोड़ा बहुत और पैसा देके, तो गए अपनी स्कूटी दिए, थोड़ा बहुत पैसा दिए और कार ले आए। तो अब ये बंदे कैसे हो गए, ये 30 लोग कैसे हो गए, फोर व्हीलर वाले हो गए ना भाई। तो आप इनको टू व्हीलर वाली लिस्ट से माइनस करोगे और फोर व्हीलर वाली लिस्ट में इनको ऐड करोगे, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा भाई। पहले इनके पास बाइक और स्कूटी दोनों चीज थी, इनके पास बाइक भी थी और स्कूटी भी थी, आप में से काफी लोग होंगे जिनके घर में बाइक भी होती है स्कूटी भी होती है ना। तो इन्होंने क्या किया, अपनी स्कूटी बेचा और कार खरीद लिया, तो भाई अब ये कैटेगरी कौन सी इनकी चली गई, फोर व्हीलर की कैटेगरी चली गई ना इन 30 लोगों की। तो आप उसको माइनस करोगे ना, जितने भी आपने टोटल निकाले थे बाइक और स्कूटी वाले, उसमें से आप 30 को माइनस कर दोगे, 30 को आप कहां ऐड कर दोगे, कार वालों में, पहले कार वाले जितने भी थे अब उसमें 30 और बढ़ गए फोर व्हीलर वाले, ठीक। उम्मीद करता हूं अब पूरा क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, नहीं हुआ तो आप ठीक है इसको फिर से देखिएगा, आप इसको फिर से देखिए, जिसको समझ में नहीं आया आप इसको फिर से देखिएगा, क्लियर। 64 आंसर है ये, मैं प्लस में करवा चुका हूं, सही आंसर है, कुछ भी गलती नहीं है। अगर आपका दूसरा आंसर आ रहा है तो गलती आप कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं पहले क्लियर कर दूं, आंसर बिल्कुल सही है, सॉल्यूशन वॉल्यूशन सब मैंने चेक कर लिया है
और हम पहले बना चुके हैं भाई इस क्वेश्चन को, ऐसा नहीं है कि पहले नहीं बनाया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या क्या डिफरेंस जो किया था भाई, ये माइनस किए थे 30, इसको हटा देते हैं अभी, ये प्लस किए थे 30, इसको भी हटा देते हैं। आंसर है 64, आंसर है 64, ठीक है ना। चलो ये सब पूरा हट गया ना, क्योंकि क्वेश्चन वन हट गया है, अब बस डेटा रहेगा हमारे पास। आंसर बनाओ आप लोग सेकंड वाले का, कितना आंसर आ रहा है थोड़ा आंसर बताइए। दीप का सुनो कुछ, क्या भाई दीप क्या हो गया, गलत आंसर है क्या, गलत आंसर आ रहा है क्या दीप आपका, ध्यान से पढ़ो भाई आ जाएगा सही, कुछ ना कुछ गलती कर रहे हो गया। पूरा नाम तो बताओ दीप का, क्या नाम है, दीप थोड़ा ध्यान लगा के देखा करो भाई क्लास में, कमेंट वमेंट करते रहोगे ना तो ऐसे पढ़ा ऐसे नहीं होगा पढ़ाई ना, आपको पेपर निकालना है तो थोड़ा ध्यान लगा के, क्लास में आते हो पढ़ने के लिए आते हो तो थोड़ा दिमाग लगाओ ध्यान लगाओ, इधर उधर कमेंट्स करते लगे रहोगे तो छूटेगा फिर, गलत तो आंसर दोगे ही दोगे, ठीक है ना। तो थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, आराम से पढ़िए, मैं हिंदी में ही तो समझा रहा हूं। कमेंट देखने की जरूरत नहीं है मुझे, बहुत देखें कमेंट्स, घाट घाट का पानी पी के बैठे हैं, बहुत एक्सपीरियंस लिया हुआ है, सब पता है, सब पता है, और फर्क भी नहीं पड़ता। क्या कर लेंगे भाई, कोई कुछ नहीं कर सकता, सिंपल सी बात है, इसलिए बेस्ट है इग्नोर। बनाओ बनाओ सेकंड वाला जल्दी आंसर दो भाई, आंसर दोगे उसके बाद ही मैं करूंगा, कुछ लोग का आंसर आ रहा है। आप नहीं समझे उसकी प्रॉब्लम भाई, हिंदी में दो, हिंदी मैंने बस इतना ही कमेंट देखा उसका दीप का कि भाई हिंदी हिंदी हिंदी, अरे हिंदी में क्वेश्चन होता तो मैं क्यों नहीं देता भाई। एक चीज को आप लोग समझिए, जितने भी स्टूडेंट्स मुझे बोलते हैं कि सर आप हिंदी में क्यों नहीं देते, हिंदी में क्यों, भाई आप मुझे ये बताइए अगर मेरे पास हिंदी में क्वेश्चन होता तो मैं क्यों नहीं देता भाई, मैं जरूर देता ना, मैं तो चाहूंगा ना भाई कि हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी क्लास में आए, वो भी देखें, मेरे लिए तो वही अच्छा है ना, ज्यादा से ज्यादा आए, मुझे कोई कीड़ा तो काट नहीं रहा कि भाई नहीं हिंदी वाला नहीं देना है, होता तो मैं जरूर देता ना भाई, अब है ही नहीं तो मैं कहां से दूंगा। एट्टी परसेंट क्वेश्चन मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लेकर आता हूं, 20% क्वेश्चन नहीं रहते हिंदी में। आंसर याद हो गया, 14, 94, 14, 94, सर 34 गलत, 24 गलत, 68 गलत, 70 गलत, और बताओ भाई जल्दी जल्दी, 128 गलत, 100 गलत, 66 गलत, 25 गलत, 90 गलत, 32 गलत, 48 गलत, 12 गलत, 144 गलत, 56 गलत, 130 गलत, 45 गलत, जो सही आंसर दे रहे हैं समझ चुके हैं अभी तक, 60 गलत, 20 गलत, 04 गलत, 54 गलत, 2 गलत, चलो देखते हैं, 77 भी गलत, 61 गलत, चलो देखो देखो इधर ध्यान दो भाई, चलो बनाते हैं क्वेश्चन, जिनका जिनका गलत आया है ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या क्या ऐसा ट्रिकी चीज था जो आप नहीं समझ पाए, दूसरे समझ गए आंसर निकाल लिए, तो भाई दूसरों से आगे बढ़ना है तो थोड़ा समझिए आराम 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 से। रुपेश जी 136 गलत है, 24 पीपल हु ओन ओनली अ बाइक, 24 ऐसे लोग जिनके पास सिर्फ बाइक थी, तो ऐसे कौन से लोग है भाई जिनके पास सिर्फ बाइक थी, जी यानी 148, जी है ना 148, इसमें बोल रहे 24 लोग जिनके पास सिर्फ बाइक थी,
सेल देयर बाइक एंड परचेस अ कार, इन्होंने अपनी बाइक बेच दी और कार खरीद ली, तो क्या कर दोगे? जी वाले में आप माइनस कर दो 24 और कार वाले में आप ऐड कर दो 24। भाई बाइक बेच दिए, कार खरीद लिए, तो यहां अब इनके पास अब बाइक नहीं है 24 लोगों के पास, और 24 लोगों के पास अब कार है, तो हमने 24 बाइक वाले माइनस कर दिए और 24 कार में ऐड कर दिए। आगे आपको क्या बोल रहा है, 30% ऑफ द पीपल हु ओन ओनली अ स्कूटी, ओनली अ स्कूटी मतलब सी, सिर्फ स्कूटी सी 120 है ना, तो इसका 30% कितना होता है 36, 36। भाई सी का 30% कितना होगा, 120 का 30% कितना होगा, 36 होगा, 36 होगा। इन्होंने क्या किया, परचेस अ बाइक, इन्होंने बाइक खरीद ली ऑल्सो, परचेस अ बाइक ऑल्सो मतलब इनके पास स्कूटी थी पर इन्होंने अब बाइक भी खरीद ली, तो ये कौन से क्राइटेरिया में चले गए, ये कौन से क्राइटेरिया में चले गए, जो सी वाले थे उससे 36 आप माइनस करोगे। भाई क्यों माइनस करोगे, क्योंकि अब इनके पास सिर्फ स्कूटी नहीं है, इन 36 लोगों के पास अब इनके पास बाइक भी है, तो स्कूटी भी है बाइक भी है, तो ये कौन सी कैटेगरी आ गई, ई एफ वाली कैटेगरी आ गई, ई प्लस एफ वाली कैटेगरी आ गई ना। एफ पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एफ पे नहीं करना, क्यों, क्योंकि इनके पास स्कूटी भी है, तो एफ पे नहीं करना, ओनली एफ पे कैसे कर दोगे, बेचे थोड़ी ना स्कूटी को। अरे भाई क्या नहीं समझे, 120 ऐसे लोग, अरे अपने कॉलोनी के हिसाब से सोचो, आपकी कॉलोनी है, आपका जो एरिया है उसके हिसाब से सोचना ना, 120 लोग हैं आपकी कॉलोनी में जिनके पास सिर्फ स्कूटी है, अब उस 120 लोगों में से, उनके पास अभी सिर्फ स्कूटी थी ना, 36 लोगों ने बाइक भी खरीद ली, तो भाई अब उन 36 लोगों को आप ये बोलोगे क्या कि उनके पास सिर्फ स्कूटी है, नहीं बोलोगे ना, क्योंकि उनका क्राइटेरिया चेंज हो गया, अब उनके पास दो गाड़ियां है, तो आप माइनस कर दो 36 को किससे, सी से, क्योंकि सी वाला क्राइटेरिया क्या था, ओनली स्कूटी वाला, ओनली स्कूटी वाला क्राइटेरिया था सी का, उसमें हम माइनस कर दिए उन 36 लोगों को, ठीक है। अब उन 36 लोगों को हम कहां ऐड कर रहे हैं, जिनके पास स्कूटी भी है और बाइक भी आ गई, मतलब ओनली स्कूटी एंड बाइक बट नॉट कार, अभी कार नहीं है ना इन लोगों के पास, तो यहां पर ये देखिए, ये जो ई और एफ, ई और एफ बोल रहे थे, अब क्लियर हुआ कि वो सिर्फ एफ में ऐड होगा, आप अगर ई और एफ लिख देते उसको ऐसे ऐसे लिख देते तो गलत हो जाता, लेकिन एक चीज याद रखना, आप सिर्फ इसको एफ में ऐड करो ऐसा 36 को, ऊपर से आपने माइनस कर दिया, यहां तक हो गया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, और क्या बोल रहा है आगे क्या बोल रहा है, 50%। देखिए भाई जितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा है समझने की कोशिश करो, क्योंकि मेंस में एस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, फिर क्या करोगे, पेपर बस देखने जा रहे हो तो बात अलग है, अगर आप वहां पर जाके क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो ये सब क्वेश्चन समझने चाहिए आप लोगों को। आगे क्या बोल रहा है, 50% ऑफ द रिमेनिंग, अब बचे कितने भाई, बचे कितने थे, 120 में आपने 36 माइनस कर दिए तो बचे कितने, 84, उसके 50% बचे हुए 84 लोग जिनके पास अब सिर्फ स्कूटी है, इसके 50% यानी कि 42 लोगों ने क्या कर दिया, परचेस अ कार ऑल्सो, ये 42 लोगों ने कार खरीद ली, तो अब क्या करोगे भाई, यहां पर माइनस 42 और करोगे, और सिर्फ कार वाले कौन थे भाई, यहां पर 42 नहीं करते हम, इसको इधर करेंगे ऐसा, रुक जाओ, इसको बी में करते हैं हम ऐड, नहीं कार वाले कहां है, ए, ए में ऐड करते हैं, नहीं नहीं स्कूटी प्लस कार ना, बी, बी में ऐड करेंगे, क्या मैंने सही किया यहां पर बताओ, क्या मैंने सही किया, बिल्कुल आ सकते हैं क्या, नो 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 वाले बताओ भाई क्या गलती हुई है, नो वाले बताओ क्या गलती हुई है,
स्कूटी तो बेच दी, कहाँ लिखा है स्कूटी बेच दी? अरे कार ऑल्सो बोला है, मतलब कार भी खरीद ली। ऑल्सो का मतलब क्या होता है? कार भी खरीद ली। ऑप्शन मेरा समझ नहीं आया। अच्छा चलो ठीक है, छोड़ते हैं, सही है ना, आगे चलें। आगे क्या बोल रहा है आपको, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ओनर्स विद एग्जैक्टली टू टाइप ऑफ व्हीकल्स एंड द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट ओन टू व्हीलर्स? भाई जिनके पास टू व्हीलर नहीं है, और किसके बारे में बात कर रहा है? द नंबर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ ओनर्स विद एग्जैक्टली टू टाइप ऑफ व्हीकल्स? एग्जैक्टली टू टाइप ऑफ व्हीकल्स वाले कौन कौन है भाई? चलो यहां पर देखते हैं, एग्जैक्टली टू टाइप ऑफ व्हीकल्स वाले कौन कौन है। एग्जैक्टली टू यानी एफ, डी और बी। तो भाई बी कितना हो गया? 80 और 42 यानी कि 122, 122। ठीक, एफ कितना हो गया आपका? 60 प्लस 36 यानी 96। और डी कितना हो गया आपका? 72। तीनों मिलाकर कितना हो रहा है? तीनों मिलाकर कितना हो रहा है? 290। तो ये 290 ऐसे लोग हैं जिनके पास एग्जैक्टली दो व्हीकल्स हैं, जिनके पास एग्जैक्टली दो व्हीकल्स हैं। अब आपको आगे क्या बोला है, डिफरेंस किसके साथ निकालना है? नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट ओन टू व्हीलर, जिनके पास टू व्हीलर नहीं है। भैया टू व्हीलर नहीं है ऐसे कितने लोग हैं? टू व्हीलर नहीं है ऐसे वाले कितने लोग हैं? भाई ए को देखो, ए के पास टू व्हीलर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है? कार है। 200, 200, ठीक है ना। ये 24 लोग भी तो आए थे कार लेने, कार लेके। यहां पर क्या बोला है, 24 पीपल हु ओन अ बाइक सेल देयर बाइक एंड परचेज अ कार, उन्होंने बेच के बेच दिया था, तो कितने हो गए? 224। वेट करना, अभी कोई कमेंट नहीं करेगा, अभी कोई कमेंट नहीं करेगा। तो भाई ये ए था, कोई कमेंट नहीं करेगा, शांत हो जाओ, सब शांत हो जाओ, सब शांत हो जाओ। यहां पर क्या बोला है आपको, 290 कैसे आया? अरे भाई बी को, एफ को और डी को ऐड करो ना, ये बी हो गया, ये डी हो गया और ये एफ हो गया, क्योंकि इनके पास, इसके पास दो गाड़ियां हैं कार और बाइक, इसके पास दो गाड़ियां हैं स्कूटी और बाइक, इसके पास दो गाड़ियां हैं कार और स्कूटी, एग्जैक्ट दो गाड़ियां हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या बोल रहा है आपको, इसका 290 का आपको डिफरेंस किसके साथ निकालना था? इस 290 का डिफरेंस आपको निकालना था किसके साथ? उस लोगों के साथ, उन लोगों के साथ जिनके पास टू व्हीलर नहीं है। तो टू व्हीलर नहीं वाले कौन है भाई? वो जिनके पास फोर व्हीलर है, तो ये फोर व्हीलर वाले कौन है? कार यानी ओनली कार वाले। ए ए कितने हैं? 200। और ये 24 लोगों ने कार और खरीदी है, इनके पास भी फोर व्हीलर है, मतलब 224, 290 और 224। कुछ लोगों ने इसको माइनस कर दिया होगा, आंसर ले आए होंगे। लेकिन भैया ये 80 लोग भी तो है ना जिनके पास टू व्हीलर नहीं है। ये 80 लोग कौन थे? ये 80 वो लोग थे जिनके पास ना कार है, ना बाइक है, ना स्कूटी है। तो ना इनके पास फोर व्हीलर है, ना इनके पास टू व्हीलर है, कुछ भी नहीं है। तो ये भी तो उस क्राइटेरिया में आएंगे ना, द नंबर ऑफ पीपल हु डू नॉट ओन अ टू व्हीलर, ऐसे लोग जिनके पास टू व्हीलर नहीं है, तो उस क्राइटेरिया में ये 80 लोग भी तो आएंगे। तो ये 80 को भी आप इसमें ऐड कर दो, टोटल कितना हो गया? 304। अब 304 का आपको डिफरेंस निकालना था 290 के साथ, तो आपका आंसर आएगा 14 और ये है आपका राइट आंसर। कितने लोग क्लास में मौजूद है, एक एक लाइक कर दीजिए भाई फटाफट। तो दोस्तों इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है, ये मैंने प्लस पे करवाया हुआ था, तो माफी चाहता हूँ भाई प्लस वाले स्टूडेंट से कि एक घंटा आप लोगों का दोबारा आप लोग वेस्ट कर दिया। अगर दूसरा क्वेश्चन करवाता तो शायद आप लोगों को और मजा आता, बट कोई नहीं, अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मैंने सोचा फ्री क्लास में करवाया जाए। तो दोस्तों अनअकैडमी पर मेरे काफी सारे कोर्सेज हो चुके हैं इस टाइप के, हाई लेवल के, पुराने भी पड़े हुए हैं बहुत सारी क्लासेस, कम से कम 200 से ज्यादा क्लासेस पड़ी हुई हैं, तो वो सारी भी आप लोग देख सकते हैं, और आगे जो चल रहे हैं कोर्सेज वो सब भी देख सकते हैं, आगे आने वाले कोर्सेज भी देख सकते हैं, क्योंकि सारे कोर्सेज इसमें अनलिमिटेड फ्री हैं, अनलिमिटेड कोर्सेज फ्री रहेंगे। अगर आप लोग 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 साल तक आप मेरे सारे वीडियोस देख सकते हैं, पुराने भी आने वाले भी सारे। इसमें आप लोगों को कोड यूज करना है दोस्तों, BANKINGCHRONICLE,
ये कोड यूज करके आप लोग डिस्काउंट ले सकते हैं 10% का, 10% का डिस्काउंट आप ले सकते हैं। 1 ईयर की जो फीस है वो है 6000, इसमें आपको 600 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा 5400 रुपए में। अनलिमिटेड कोर्सेस, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, सब कुछ सारे टीचर्स के, सिर्फ मेरे ही नहीं सारे टीचर्स के। आप किसी भी टीचर की क्लासेस देख सकते हैं, मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक नॉन स्टॉप क्लासेस चलती ही रहती है। आप जब मर्जी चाहे, जिसकी मर्जी चाहे क्लासेस देख सकते हो। मेरी क्लासेस का टाइमिंग जो है वो शाम को 6:30 से 8 रहता है, 8:30 से 10 रहता है, और मॉर्निंग के टाइम पे एक प्री का बैच चल रहा है मेरा, अभी 2 प्री के बैच चल रहे हैं। रात के समय मेंस के बैचेस चलते हैं। और एक दोस्तों आप लोगों को बता दूं, एक कंबाइंड बैच आ रहा है 3 एजुकेटर्स का, मेरा, कपिल काटपाल सर का और तरुण सर का, जिसमें कि मैं पढ़ाऊंगा मैथ्स और रीजनिंग, कपिल सर पढ़ाएंगे जीके और तरुण सर पढ़ाएंगे इंग्लिश फॉर IBPS क्लर्क मेंस। तो ये जो कोर्स है आप लोगों का अगले महीने स्टार्ट होने वाला है। तब तक आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि पुरानी क्लासेस देखिए, जिन्होंने भी प्लस लिया हुआ है, क्योंकि पुरानी क्लासेस देखोगे तभी आगे आने वाली क्लासेस में आप लोगों को चीजें जल्दी समझ में आएंगी, वरना आप दूसरों से पीछे रह जाओगे। तो जिन्होंने भी प्लस लिया है पुरानी क्लासेस सारी देखते जाओ, पुरानी बहुत सी क्लासेस पढ़ी, उनको ये सोच के मत छोड़ देना कि चलो वो तो पुरानी क्लास थी, हो गई है, बाद में देख लेंगे। बाद बाद कुछ नहीं होता दोस्तों, पढ़ना है, आपने अगर पैसे दिए हैं तो भाई उसको यूटिलाइज करो अच्छे से। आप बैठ के एटलीस्ट, मतलब ये है कि आप ना PDF तो मिलती है हर क्लास की। जैसे मान लो ये क्लास आपकी मिस हो गई थी, आप क्या करो, इस क्लास का PDF ओपन करो, क्वेश्चन बनाने की कोशिश करो, आंसर चेक करो, अगर आपका आंसर गलत आ रहा है तो आप वीडियो देखो, वरना मत देखो। भाई इस तरीके से भी आप चाहो तो पूरी क्लासेस कंप्लीट कर सकते हो, पर करना जरूर, क्योंकि बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए हैं SBI PO के कोर्स में। तो आप लोग भी अगर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, बैंकिंग क्रॉनिकल कोड यूज कर लीजिएगा, 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको सारे कोर्सेस उसमें मिल जाएंगे, बैंकिंग क्रॉनिकल। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट। अगली क्लास है 9:30 बजे, अगली क्लास है दोस्तों, तो अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट। 9:30 बजे आ जाइएगा, मेंस लेवल का पजल करेंगे, अच्छे लेवल का। ठीक है।